Good morning. Today is 5th November 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. और सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल को आज डिस्कस करने वाले हैं. पहला आर्टिकल होगा जो हम लोग जगलर्स आर्ट. जगलर क्या होता है? एक ऐसा कर्तव्यबाजी जो अपने हाथों में तीन चार गेंद लेकर उछालता रहता है, उसे हम लोग जगलर कहते हैं. तो इंडिया को जगलर क्यों कहा जा रहा है और इस जो पूरे आर्टिकल है इसका एस्पेक्ट क्या है? ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में इंडिया को कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपको क्रूड ऑयल भी लेना है, किस देश से लेना है, आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कौन से देश से किस तरह की, वो सारे पैरामीटर को मेंटेन कर रखना है. मतलब वो जो बॉल आप हवा में दिखा रहे हो, उस बॉल को वापस हैंड में आनी चाहिए, जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए. तो इस इम्बैलेंस और बैलेंस समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में. दूसरी आर्टिकल होगी जिसमें हम लोग फिलिंग द गैप, ये जो अभी एमएसएमई सेक्टर में 59 मिनट में जो ये देने की बात की जा रही है लोन को, तो ये कैसे संभव हो पाया और इसकी आवश्यकता क्यों थी, इन सब चीज़ों को भी इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. और एक छोटी सी आर्टिकल है जिसमें हम लोगों ने इलाहाबाद और फिर इसका जो नाम चेंज हुआ है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस तरीके से हुआ और इसके क्या मतलब फेवर में और अगेंस्ट में भी मैंने सारी बातें आपको बता दी थी. लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जहां तक बात है इलाहाबाद की, तो ये मतलब जो है पहले इसका नाम प्रयागराज था, लेकिन बाद में जब अकबर आए तो इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया. और इलाहाबाद से हम लोगों अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो मैंने आपको बहुत सारे कवियों के नाम और लेखक के नाम भी यहां पर आपको बताए थे और ऐसे मतलब फ्रीडम फाइटर्स और फिर हमारे लीडर्स भी रहे हैं से. लेकिन देखो अगर हिस्ट्री में देखो तो इसमें कुछ नई बातें बताई गई, जैसे कि राणा प्रताप जो थे वो अकबर को यहाँ बैटल में हराए थे. वीर सावरकर के बारे में भी जो है इस नगरी की में उनका जिक्र है. जहां तक प्रयागराज का बात है, ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में फोटो देख रहे हो, ये क्या है, एक रिवर बैंक वेयर गंगा एंड यमुना मीट, जहां पर गंगा आकर और यमुना आकर मीट करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयागराज. ठीक है, तो ये इलाहाबाद जो है कि मतलब इसका मतलब क्या, एक हॉलीनेस यहाँ पर ड्विल होती है. मतलब यहाँ पर जितने भी धार्मिक चीजें हैं और मान्यता है वो सारी चीजें यहाँ पर हमें दिखने को मिलती है. और जहां तक है इलाहाबाद का मतलब जब इलाहाबाद बना, यहां पर अकबर का शासन चला, अकबर ने यहां पर बहुत सारी चीजें किए. उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था. और यहां तक कि कैपिटल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को हम लोग इलाहाबाद ही ब्रिटिश लोग माना करते थे. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब बंगाल हो गया, बिहार हो गया और आप यहां से एक्सटेंड करते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाओ, तो ये पूरे प्रोविंस का जो मतलब कैपिटल सिटी था वो कौन हुआ करता था, इलाहाबाद ही हुआ करता था. इलाहाबाद अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की हेडक्वार्टर भी हुआ करती थी. और ये जो चीजें नाम चेंज करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि नाम में तो ठीक है, हम अपनी ड्वेलिनेस और जो भी मतलब होलीनेस को ये बिलोंग करती है प्रयागराज देने के अलावा, लेकिन जो गवर्नेंस है, जिस मकसद से इसे इलाहाबाद बनाया गया और इलाहाबाद से वापस इसे प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि किसी भी माइनर गर्ल्स का रेप कर देना या फिर छोटे छोटे बच्चे हों अगर वो मतलब गलत तरीके का टोपी पहन ले, तो ऐसे ऐसे मतलब कम्युनल वायलेंस जैसे मुद्दे वहाँ पर आए और जिस चीज़ों को अभी तक हम लोग सॉल्व करने में वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाए. वहां पर इंटॉलरेंस आप कह सकते हो, मतलब एक दूसरे के धर्म के प्रति इंटॉलरेंट जैसी चीजें वहां पर होती रहती हैं कि मतलब एक दूसरे के धर्म के चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इंक्लूसिवनेस की भावनाएं वहां नहीं रहती. और वैसी स्थिति में इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि प्रयागराज का नाम देना ये हमें फिर से एक ये दिखाती कि सैफ्रनाइजेशन मतलब वहां पर जो हिंदुत्व है और यहां पर जिस चीजों के लिए पहले जानी जाती थी उनकी फिर से अगर डोमिनेंस हो जाएगी, तो अगर किसी की डोमिनेंस तब होती है जब किसी को नीचे दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति यहां पर नहीं होनी चाहिए. हमें जो है आज के दौर में जहां पर सभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें नीचे और ऊपर दिखाने की जगह जो हमें क्या एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता, हमें सब में सबको साथ चलने की आवश्यकता है. तो ये सारी बातें बताइए. और साथ ही साथ आपको पहले भी मैंने समझाया था कि ये जब एक चीजें होती है किसी भी जगह का नाम को चेंज करना, तो वो मतलब देखा देखे में लोग और भी चीजें करने लगते हैं. जैसे कि अभी जैसे हम लोगों ने गुड़गांव को गुरुग्राम नाम दे दिया, उसी तरीके से अब मांग उठ रही है शिमला को श्यामला नाम कर देने, या फिर जो आगरा को आप आगरा नाम से जानते हो उसे अगस्त्यपुरी नाम से नाम कर देने के लिए. तो ये सारी चीजें जो है मतलब क्योंकि देखो यहां पर जैसे इलाहाबाद आपको यहां पर होर्डिंग में दिख रहा है, उस पे जाकर प्रयागराज लिखना, तो ये कोई आसान काम नहीं है. ये पूरे सिटी में जाकर इलाहाबाद जहां जहां उसे प्रयागराज वापस से लिखना, उतना पेंट होना, उतने ब्यूरोक्रेट उस पर काम किए होंगे, उसके बाद सभी पर जाकर फिर से एक नया नेम प्लेट लगा
लगाना, तो ये सारे पैसे जो है एक मतलब डेवलपमेंट पर्पस में यूज किए जा सकते थे। तो इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बताई गई है, आप एक बार वन गो में इसे आप रीड कर लेना। बाकी सारी चीजें मैं उन्हें ऑलरेडी जिक्र कर रखी है, तो इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाकी के जो दो आर्टिकल है उसे हम लोग थोड़ी डिटेल में विश्लेषण करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मुझसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी v.essb@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो आर्टिकल में आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये फिगर को ध्यान से समझो। फिगर को ध्यान से समझने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या फिगर की ये जो डेटा ये क्या दिखा रही है, ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है ईरान से अगस्त मतलब तक हम लोगों ने कितनी तरीके से किया। 2013 में अगर 1990 था तो 2017 में 430 पहुंच गया, मतलब हम लोगों ने राइज किया कितना इंपोर्ट करने में। फिर जनवरी 2018 में 430 से 390 तक पहुंच गए, और फिर ये जो है कभी इंक्रीज होती रही कभी डिक्रीज होती रही, फिर इंक्रीज हुई फिर थोड़ी इंक्रीज हुई फिर थोड़ी और इंक्रीज हुई, फिर मतलब हाईएस्ट नंबर पर ये जाकर जुलाई में पहुंच गई 787, और उसके बाद अचानक अगस्त 2018 में हम लोग कहां पर आ गए, 50 पे आ गए। तो ये चीजें क्या दिखा रही है कि इंपोर्ट जितनी हम ईरान से ऑयल क्रूड ऑयल को कर रहे थे वो जो है हम लोगों ने अगस्त में ये आकर बहुत ही डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या था आपको तो पता ही होगा, जो यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन लगाने की बात की। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल में किस तरीके से ये बातें कही गई है। इमोशंस हैज बीन अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द ऑयल प्राइसेस, मतलब इमोशन जो है ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता रहा है कि ऑयल की प्राइसेस कब घटेगी और कब बढ़ेगी। जब मैं बात इमोशन की करता हूँ तो इसको आप इस चीज़ों से समझ सकते हो कि जब वो पहली बार 1973 में वॉर हुआ था, जब उसमें क्या किस में अरब में और फिर इसराइल में, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो किन के सपोर्ट में आ गए थे, वो जो थे सभी के सभी इसराइल के सपोर्ट में आ गए थे। और जब इसराइल के सपोर्ट में सारे वेस्टर्न कंट्री आ गए तो फिर अरब कंट्री का क्या हुआ, अरब कंट्री जितने भी वहाँ पे ओपेक जितनी भी कंट्री मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट किसकी, अरब कंट्री की है, तो इन्होंने ऑयल का दाम जो है 4 गुने तक बढ़ा दिया था। क्यों, सिर्फ इस चीजों को देखकर, मतलब इस चीजों को समझकर कि जो है वेस्टर्न कंट्री मेरा सपोर्ट नहीं दे रही इसलिए मैं क्या करूंगा ऑयल का दाम को बढ़ा दूंगा। और सेम चीजें 1973 के बाद 2003 को भी देखने को मिली जब सद्दाम हुसैन पर मतलब वो कार्रवाई कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती है कि जब जब इस कंट्री के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ओपेक कंट्री के अकॉर्डिंग, ये लोग क्या करेंगे तेल के दामों को बढ़ा देंगे। द फैक्टर हैज वंस अगेन, और यही फैक्टर जो है ऐसी बात नहीं 2003 के बाद 2018 में ये सारे फैक्टर खत्म हो गए, ये फैक्टर आज भी क्रूशियल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पेट्रोलियम का कौन है, अमेरिका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका को जेसीपीओए के बाहर निकाल लिया, ये जेसीपीओ क्या था, एक मल्टीनेशनल न्यूक्लियर डील था जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में बहुत ही मतलब मशक्कत के साथ बराक ओबामा ने इसे पॉसिबल करवाया था। उसमें 2014 में ये क्या कंटेंस द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था इससे डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर कर दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया। तो ही इशूड अ नोटिस, उसके बाद इतना ही इन्होंने नहीं किया उस न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो वो बाहर निकले ही निकले, साथ ही साथ उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया कि जितने भी कंट्रीज हैं और जितने भी कंपनीज हैं जो भी ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन सबको अपने बिजनेस को नवंबर तक खत्म करना होगा। द डिसीजन, ये जो डिसीजन लिया क्या क्या, ना तो ये फैक्ट पे बेस्ड था, ना तो कोई ऐसी लॉजिक बन रही थी और ना ही पब्लिक इंटरेस्ट में ही था, लेकिन वो है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और वही चीज मैं आज तक देखता आया हूं। द इंपैक्ट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द ट्रंप डिसीजन स्टिल नॉट क्लियर, और ये जो इन्होंने बोल दिया कि आप सभी उनसे जो है ईरान से बिजनेस को खत्म कर लो तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वो क्या है, अचानक जो है प्राइस राइज भी हुई और अभी देख रहे हैं डाउनफॉल भी हुई, वो कहां पर जाके स्टेबिलिटी लेगी, इस चीजों को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी है इस चीजों को समझने में अनक्लियर रहे कि वो जो हम एक बार किसी को किसी कंट्री को जो कि
लोगों को क्रूड वाइल दे रही है, अगर उसे हम मना कर देंगे तो फिर उसकी भरपाई क्या होगी? तो वाइल में स्पाइक शार्पली और इसकी भरपाई यही ना होगी कि अगर मान लो आपके पास इतनी ही मतलब सप्लाई का पावर इतना ही है, मान लो कि 10 क्विंटल या फिर 10 क्विंटल आप चावल किसी को दे सकते हो, और अचानक जो है लेने वाले यहाँ पर 10 क्विंटल चावल जो लोग हैं, मान लो 10 ऐसे कंपनी मिलकर ये प्रोवाइड करवा पा रहे हैं पूरे देश को, अगर वो 10 में से एक कंट्री को आप निकाल दो तो वो जो एक कंट्री का जो प्रेशर है वो बाकी 9 को झेलना पड़ेगा। तो ये जो झेलना पड़ेगा इसका कारण क्या होगा कि वाइल का प्राइस भी जो है वो हाइक हो जाएगा, और यही चीजें हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखी भी, लिमिटेड शॉर्ट टर्म स्पेयर कैपेसिटी एंड द यूएस सेल प्रोड्यूसर फेस द पाइपलाइन कॉन्स्टेंट। और जैसा मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट जो है पेट्रोलियम की चलो वो बनाने वाली है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का पाइपलाइन हर जगह बिछा हुआ नहीं है। हमें अगर जो है पेट्रोलियम जितनी आसानी से ईरान से मिल जाती है उतनी आसानी से यूनाइटेड स्टेट के साथ नहीं मिल सकती। यूनाइटेड स्टेट्स से वैसी गैस और पाइपलाइन की कनेक्टिविटी इंडिया तक नहीं है। बट देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड इफ ऑयल प्राइसेस वुड रीच ट्रिपल डिजिट, और उसका मतलब प्रभाव भी यही मैंने जैसा आपको बताया कि उसका प्रभाव यही हुआ कि जैसे 9 देश के ऊपर उसका प्रेशर पड़ने वाला था, तो उसका कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने अभी देखा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का अभी इंडिया में भी प्राइस कितनी हाई तक चली गई थी, और बातें लगभग हो रही थी लगभग ये ट्रिपल डिजिट मतलब 100 रुपए लीटर यहां पर मिलने वाली थी। द ऑयल पॉलिसी इन मोस्ट पेट्रोल स्टेट, जो वाइल की पॉलिसी जो होती है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम के जितने भी ओपेक कंट्रीज आप लोग देख लो, तो हैंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक लीडर, मतलब ऐसे कोई डेमोक्रेटिक नहीं कि सारे देश दुनिया की मतलब परिस्थिति को समझकर हम लोग ये करेंगे, ये जो है इनका जो कंट्रोल है ऐसे ऑटोक्रेटिक लीडर पे है, और इनकी जो सारी डिसीजंस होती है वो किस पे होती है, सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जब इसराइल और यूरोप की इसराइल और अरब की कंट्री के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, तो अरब कंट्री का जब कोई साथ नहीं दुआ तो अरब कंट्री सेल्फ रेस्पेक्ट में, सेल्फ के सेंस में मतलब खुद के बारे में सोचने के कारण उन्होंने प्राइस को हाई कर दिया, और वही सच्चाई भी है। जैसे कि आप रसिया का व्लादिमीर पुतिन को देख लो, या फिर आप वेनेजुएला को निकोलस माडुरो को देख लो, या फिर आप जो ईरान का अभी अतोल्लाह जो है उनको देख लो, या फिर ट्रंप को देख लो, या फिर ब्राजील के जैर बोसोलोनारो को देख लो, ये सारे के सारे पीपल जो है ये सेल्फनेस से इतने भरे हुए हैं, सेल्फ स्टीम से इतने भरे हुए हैं कि अगर उनकी जो है ईगो को या फिर उनकी बातों को अगर कोई नहीं मानेगा, अगर कोई इनकार करेगा, तो वो ऐसे जो है ऐसे डिसीजंस लेंगे जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। तो पर्सनलाइजेशन लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, पहले जो था ये पर्सनलाइजेशन का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता था, क्यों? क्योंकि पहले जो आजकल हम लोग जो क्रूड ऑयल लेते हैं ये कितने दिनों का गैप होता, 15 दिन का, 18 दिन का, मतलब आपने क्रूड ऑयल लिया और आपको कुछ दिन के बाद उनको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन पहले क्या होती थी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप 1 साल तक, मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिया कि 1 साल तक इस दामों पर जो है ये जो क्रूड ऑयल जो मेरे देश को पहुंचेगी, अगले साल जो है इसको फिर से हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन अब वो चीजें नहीं होती, ये जो है कॉन्स्टेंटली जो चेंज होती है और उसका इंपैक्ट हमें दिखना पड़ता है, और कोई भी ऐसा लोकल एक्शन, कोई भी इंडिविजुअल लीडर्स भी अगर कुछ वैसा ले ले जो किसी के सेल्फ स्टीम को अगर हर्ट कर दे, तो हम लोग देखते हैं क्या उसका जो है इंपैक्ट हो जाता है। जैसे कि सद्दाम हुसैन के भी केस में देखा था ऑयल की प्राइसेस इतनी हाइक हो गई थी, पेट्रोलियम मिनिस्टर ऐसे स्थिति में जो वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें चल रही, तो हमारा देश को किस तरीके से काम करना है, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर को जो है एक बहुत ही अनअवॉइडेबल जॉब को फुलफिल करना होता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि एक जगलर की स्थिति हो जाती है हमारे देश की, क्यों? क्योंकि वो जितने भी बॉल हैं कि मतलब वर्ल्ड की जितनी स्ट्रेटेजी चल रही है या फिर ग्लोबल ऑयल का जो प्राइस चल रहा है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो और देशों पर भी पड़ जाता है, काटसा के अकॉर्डिंग इंडिया पर भी लगने की बात हो जाती है। तो इन सब के कारण हमें सारे बॉल्स को, सारे पैरामीटर्स को क्या करना है, बैलेंस बनाकर रखना है एंड द डिफेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है और प्रोटेक्ट इट्स द नॉन वायल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब कि ऐसी बात तो नहीं है ना कि हम ईरान के साथ सिर्फ व्यापार कर रहे हैं तेल का, उसके बाद हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ईरान के साथ उसके अलावा भी हमारी छाबाड़ पोर्ट है, मतलब जिस तरीके से चाइना का वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव चल रहा है और सारे देश को अपने में वो समग्रहित करते जा रहा, वहां पर हमें ये भी देखना है कि कहीं चाइना का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं हो जाए हमारे आसपास के मतलब देशों में कि हमें कोई मानने वाला ही नहीं रहे। तो वैसी स्थिति भी पैदा नहीं होने देनी, हमें सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बनाकर रखना है। जैसे कि अभी श्रीलंका में
चीज़ें हो रही है, म्यांमार में जिस तरीके से मैंने आपको बताई चीज़ें हो रही है, या फिर अरब कंट्री में जिस तरीके से पाकिस्तान का फेवर करता है, तो वो सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, बैलेंस बनाकर रखना और हमें अपनी सॉवरेंटी को नहीं खोने देना। पीपल आर नॉट आउट ऑफ द स्ट्रीट। और देखो इतनी जो ऑयल की प्राइसेस हाइक हुई, ऐसा कुछ भी देखा नहीं हमने कि लोग हैं पीपल जो है वो रोड पर आ गए, बंद करने लग रहे हैं चीज़ों को, अब मतलब सरकार के खिलाफ एकदम धरना कर रहे हैं, वैसी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन सऊदी अरेबिया, और इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें जो है एक नई मतलब ऊंचाई को पहुंची। क्यों? क्योंकि ये जो है सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने के लिए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी खोलने की बात की, कहां पर, रत्नागिरी में, और इसके लिए ये अग्री भी हो गई। तो ट्रंप एग्जेम्प्टेड, और साथ ही साथ ट्रंप ने भी काटसा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो यहां पर सैंक्शन लग रहे थे उस सैंक्शन को अभी इंडिया से हटा लिया है। और इंडिया पे जो है क्यों, उसको ये मानते हुए कि हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में डेटा को दिखाया कि हमारी इंपोर्ट जो है ईरान से अचानक 50 पे आ गई 700 के पार जाने के बावजूद भी, तो हमारी इंपोर्ट जो है ईरान से कम हो गई। और हम जो ईरान को पैसे देंगे वो डॉलर में नहीं देंगे या फिर सोने चांदी जैसे कोई हार्ड करेंसी में नहीं देंगे, हम जो उनसे करेंगे वो किस में, रुपी में करेंगे। मतलब अब जो हम उनको करेंसी देंगे वो रुपी में देंगे, डॉलर में नहीं देंगे, तो जिसका वो लोग दुरुपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे जगह पर जहां पर वो सिया जैसे चीज़ों का जहां पर वो मतलब इनकरेजमेंट करते हैं, या फिर जो भी आतंकवादी संगठन को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं ईरान के लोग, अपनी पॉलिसी जो भी अरब कंट्री की चल रही है लेबनान में, यमन में, या फिर सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो भी वो पॉलिसी चला रहे हैं, तो उन सबको वो इनकरेजमेंट किससे मिलता है, जब उनको पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, सोने मिलते हैं, चांदी मिलते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें हटाकर अब हम क्या ईरान को किस चीज़ों में बिजनेस करेंगे, रुपये में करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है अमेरिका ने काटसा से हमें जो है अभी सैंक्शन लगाने से मना कर दिया। एंड द मिनिस्टर में नीड मोर हैंड। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हमारी जो गवर्नेंस है, उनको जो है एक बहुत ज़्यादा हाथ की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि अगर हवा में 5 गेंदे हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हाथ है, तो उस 5 गेंद को कैच कर पाना और उसे जमीन पर नहीं गिरने देना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस आर्म्स को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस आर्म्स को हम लोग जो है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बनाकर बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लेना, या फिर जो है क्लीन एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और फिर डिमांड का जो है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना। ये सारी चीजें कर हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते हैं एंड काउंटर द इंपैक्ट ऑफ द पर्सनल। और ये बात भी सच्चाई, जब हम इन सारी चीजों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, R&D हो गया, या फिर डिमांड को जब हम लोग मैनेज करने में सक्षम हो जाएंगे, तो ये जो पर्सनलाइज्ड और इमोशनल वाइल्ड पॉलिसी चलती है कि कोई भी देश अगर कोई छोटा सा लीडर भी कुछ भी बोल देता है तो उसके अगेंस्ट में तुरंत वाइल्ड के प्राइसेस अगर हाइक हो जाते, तो उन सब चीजों पर हमें जो है उसका दुष्प्रभाव हमें नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, एथेनॉल के आने से। तो इन सब चीजों को हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नेंस को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो, अभी बहुत सारी बातें हुई कि मतलब 59 मिलियन में जो है MSME को लोन मिल जाएगा। MSME का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था लास्ट DNA में कि MSME किसको कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप में से जिनको भी याद है आप लिख कर बताओ कि MSME का डेफिनेशन क्या है। माइक्रो जैसे मैं बोलता हूँ, स्मॉल बोलता हूँ, या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस, तो जैसे माइक्रो में 5 करोड़ तक का जो बिजनेस करते हैं उसे हम लोग माइक्रो मतलब बिजनेस फर्म बोलते हैं। लेकिन स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का क्या डिस्टिंक्शन, अगर आपको याद है तो लिख कर बताओ, अदर हम लोग फिर से बताएंगे आपको। GST का देखो, आइडेंटिफिकेशन, GST आने से क्या हुआ, सारा चीज जो है डिजिटलाइज्ड हो गया, मतलब सारी चीजों जो है अब आप कंप्यूटर में आपकी कितनी इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितने दाम पर आपने लिए, कितने दाम पर बेचे, वो सारी चीजें यहां पर एक बिल आपको बिल बनानी पड़ती है। और इसका जो भी होता है इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको एक XML फाइल फॉर्मेट में जाकर भरना होता है, उसके बाद जो है बैंक सेटलमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ, मतलब बैंक का जो स्टेटमेंट है आपका डिजिटाइजेशन होने के कारण, ये सारी चीजें भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप अपने मोबाइल में अपने बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ में उसका एक PDF का निकालो, और उसके बाद जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं या ऑनर हैं उसका बेसिक पर्सनल एजुकेशन हो गया, ऑनरशिप डिटेल हो गया, ये सारी चीजों को सबमिट करो। और उसके बाद इतनी चीजें, क्योंकि आप बैठे घर बैठे ही कंप्यूटर से ये सारी की सारी चीजें आप निकाल सकते हो, उसके PDF को बना सकते हो, उसके बाद ये सारी चीजें सबमिट करो और आपको 59 मिनट के अंदर मतलब ये चीजें जो है आपको अप्रूव हो जाएंगी।
तो ये पॉलिसी जो है अपने आप में बहुत ही सराहनीय पॉलिसी कही जा सकती है। एमएसएमई की जहां तक बात है, ये दो चीजों से बहुत एडवर्सली इंपैक्ट हुई। पहली तो क्या, डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके साथ ही साथ जीएसटी आया। तो उसका सबसे वर्स्ट इफेक्ट जो हुआ वो किस पे हुआ, वो जो है एमएसएमई सेक्टर पे हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कैश देने में सक्षम हो गए थे। वो जो एमएसएमई सेक्टर होते थे वो इतने कंप्यूटराइज्ड और सारी चीजों पे नहीं चलते थे, वो सारी चीजें कैश पे चलती थी। बैंक से उसका कोई बहुत ज्यादा रिश्ता नाता नहीं होता था। जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, आपके जो क्रेडिट सैलरी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन ये जो एमएसएमई के लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं दिहाड़ी पे चलते हैं, या फिर महीने के उन्हें पैसे मिलते हैं, 15 दिन के 7 दिन के ऐसे पैसे मिलने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग जो थे बैंक से ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन ये जो पॉलिसीज बनाई हमने जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, इससे क्या हुआ, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ग्रॉस बैंक क्रेडिटेड टू एमएसएमई, और जिस तरीके से हम लोग बैंक में जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, तो ये इन सब के कारण और जितनी एनपीएज भी हो गई ये बैंकों में, तो उससे क्या हुआ कि इनको जो पैसे मिलते थे, लोन मिलते थे अपने कामों को, अपने बिजनेस को फैलाव करने के लिए, वो भी बहुत बुरी तरीके से श्रंक हो गया। और जब मैं बुरी तरीके से बोलता हूँ, तो पहले अगर ये देखो 4.7 लाख करोड़ मिलता था, तो वो सिर्फ 4.69 करोड़ के बीच में आ गया। मतलब लाख वर्ड ही यहां से ऑमिट हो गया। ये 4.671 लाख से 4.69 करोड़ पे आ गई जितनी क्रेडिट मिली ये 2014 से 18 के बीच में। तो इतनी बुरी परफॉर्म कर रही थी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी लाया गया, जिसके तहत लोगों को बोला गया कि आप जो है यहां से जो लोन ले सकते हो। लेकिन इस वाइड को, जो इतनी बड़े गैप बन गई थी 1 लाख करोड़ लगभग की, उस गैप को जो है ये फुलफिल नहीं कर पाई। और एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगर मैं बता दूं, तो ये 30% हमारी कंट्री की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करती है। 45% अगर देख लो तो मैन्युफैक्चरिंग की जो आउटपुट होती है, वो 45% अकेले एमएसएमई सेक्टर वो उसको देखता है। और साथ ही साथ अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करो, तो जितनी भी चीजें हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, उसमें से अकेले 40% जो है वो कहां से आती है, एमएसएमई सेक्टर से ही आती है। तो एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी में इतनी इंपैक्टफुल चीजें हैं। तो लिस्ट टू द बैंकिंग सिस्टम नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस। और ये देखो एमएसएमई का ये बातें तो मैंने बताया ना, क्योंकि ये बैंक से ज्यादा रिलेटेड थे नहीं, ठीक है। बैंक से ये ऐसा नहीं था कि ये यही लोग विजय माल्या और फिर मेहुल चौकसी थे जो कि बैंक से पैसे लिए और भाग गए। ये लोग तो अपने थोड़े थोड़े पैसे लेकर अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करते थे और अपने जो भी उनके वर्कर्स थे उनको वेजेस दिया करते थे। तो ये बैंक में एनपीए लाने में या फिर जो भी बैंकिंग में इरेगुलरिटी हुई, उसमें एमएसएमई सेक्टर का कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जब लाया गया, तो उसमें सबसे बुरा प्रभावित कौन हुआ, वो एमएसएमई सेक्टर ही हुआ। मतलब इससे जो है बिना गलती किए हुए उसको सजा झेलनी पड़ गई एमएसएमई सेक्टर को। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि 2% का इंटरेस्ट सबमेंशन का अनाउंसमेंट किया। मतलब 2% इंटरेस्ट, अगर मान लो बैंक आपको 7% 8% के इंटरेस्ट पे देती है, तो गवर्नमेंट के सबमेंशन के अकॉर्डिंग आपको 6% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब 2% के इंटरेस्ट पे आपको छूट मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको 1 करोड़ रुपए तक की अगर जरूरत है, अगर आपको अपने बिजनेस फैलाने की, आपको नए फर्म सेटअप करने की, या आपने पहले से फर्म सेटअप किए हुए उसके सब्सिडरीज को खोलने की, तो वैसी स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक पैसे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ये जो है नई पॉलिसीज लाई गई, और ये जो पॉलिसी वास्तव में एक बहुत ही वेलकम स्टेप कहा जा सकता है। जीएसटी अलोंग विद डिजिटाइजेशन, जीएसटी होने के कारण, और जैसा मैंने बताया कि पूरी तरह के जो डिजिटाइजेशन हो गया, वो सारी चीजें आपको अपने कंप्यूटर पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आपकी, जितनी क्रेडिट हुए और ये सारी चीजें जो आपको अब मेंटेन करनी होती है, तो ये डेटाबेस एक अपना हम लोग जो है एक ऑनलाइन बना लेते हैं। और ये जो है इससे हमें ट्रांजेक्शन करने में, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में और टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, ये सब चीजों में हमें बहुत ज्यादा सहायता होने लगी। पॉसिबल फॉर द एक्सेसिंग फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द रीजनेबली शॉर्ट पीरियड। और यही कारण है कि बैंक जो है आपको अब 10 प्रकार की फाइलें, की आधार लेकर आओ, अपने बैंक की खतियान लेकर आओ, आपका कहां पर वो जो इंडस्ट्री है उसकी पूरी क्रेडिट रेटिंग लेकर आओ, 10 गारंटर को लेकर आओ, ऐसी चीजें आपको बैंक नहीं बोलेगी, क्योंकि आपके पास टैक्स फॉर्म का रिटर्न फाइल होगा, आपके पास बैंक अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट होगा, आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो सारी डिटेल होगी, और साथ ही साथ आपके डेटाबेस भी बने हुए हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि आपके लैपी में है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसको बैंक को
सेंड कर सकते हो और बैंक उन चीजों को जज करते हुए आपको तुरंत लोन जो है एक घंटे के अंदर दे देगी। तो डिपेंड्स ऑन द बैंक, लेकिन ये भी कहने वाली बात है कि पॉलिसीज तो बन जाती है इंडिया में, लेकिन पॉलिसीज का किस तरीके से इफेक्ट होता है, वो क्या लोगों को मदद कर पाता है या नहीं कर पाता, ये ग्राउंड पे जब आती है तो चीजें चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी वही चीजें भी इंपैक्टफुल होती हैं कि ये तो बैंक पर ही डिपेंड करेगा कि उनको जब कोई मांगने जाता है तो कहीं उनको फिर से प्रताड़ित या फिर उन्हें भगा तो नहीं दिया जाएगा, और बैंक उनको कितनी सुविधाएं के साथ ये पैसे देती है। डिमोनेटाइजेशन और जहां तक जीएसटी की बात करो तो ये एक इकोसिस्टम को पैदा कर दी। इकोसिस्टम को पैदा कर दी मतलब क्या हो गया कि वहां पर एक ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर की बात होगी जहां पर अब आपको कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो गया, आपको उसके हैरेसमेंट की झेलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आकर वहां पर इनकम टैक्स का वहां पर छापा पड़ रहा है, इसी चीज़ें की जरूरत नहीं हो। अगर आप जो है लॉयल हो, अगर आप सही तरीके से काम करो, आप सही तरीके से अपने टैक्स को भर रहे हो, मतलब सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के आंखों में अब दिख रही है, तो आपको कोई ऐसी एजेंसी आकर तंग भी नहीं करेगी, आपसे घूस नहीं मांगेगी कि आप इतने पैसे दो अदरवाइज मैं जो है आपकी डेटा को लीक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉयल हो तो सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में सबको दिख रही है। ए सिंगल एनवायरमेंटल अप्रूवल फॉर द बोथ एन एयर, और साथ ही साथ ये जो पॉलिसीज आई, क्योंकि पहले मैंने बताया कि आपको 10 प्रकार की चीजें बोलता था और बैंक बोलता था, और बैंक के अलावा भी कहीं पर आप अगर कुछ इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हो छोटे से, तो वहां पर आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया या फिर एयर पॉल्यूशन हो गया या फिर जो वाटर पॉल्यूशन होगा, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लेकिन ये सारे अप्रूवल अब आपको एक ही बार में दोनों की चीजें जो है एक ही बार में मिल जाएगी, मतलब आपका भी टाइम यहां पर सेव होगा। एंड डिपेंडेंट मेनली ऑन द स्टेट्स एंड कंसर्न, और जब ये बातें जैसा मैंने बताया कि ये जो जब पॉलिसीज बनती है और वो ग्राउंड पे उतरती है तो वो डिपेंड करता है कि वहां के लोग कैसा उसको रिएक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से बैंक पे ये लागू होता है, उसी तरीके से ये स्टेट पे भी लागू होता है कि स्टेट टू स्टेट जो है अपने लोगों को जो वो मतलब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया या फिर पॉल्यूशन क्लियरेंस हो गया, लैंड क्लियरेंस हो गया, वो कितनी आसानी से दे देते हैं। वरिंग इज द स्टेट ऑफ, और इन सब के बीच सबसे एक वरिंग फैक्टर क्या है, सबसे वरिंग फैक्टर है NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जिस तरीके का स्टेट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था या फिर जब ये इतने सारे NPA हो गए थे, तो बैंक जो है किसी भी कंपनी को लोन देने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी पैसे थे सारे के सारे पैसे काइंड ऑफ डूब गए थे, सारे के सारे पैसे जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए थे, तो जिस कारण से वो पैसे को जब तक रिकवर नहीं करती वो किसी को और को लोन देना बंद कर दी। तो जब वो बैंक वहां पर परफॉर्म करना बंद कर दी थी, तो वैसे टाइम में एक सब्स्टिट्यूट बनकर क्या उभरा था, NBFC, मतलब जब बैंक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही थी, NBFC सबको लोन दे रहा था, NBFC जिसको जितनी जरूरत थी वो सारी जरूरतों को फुलफिल कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि बैंक तो वो असमर्थ है ही, अभी तक वो तो अपना स्टेबिलिटी अभी तक धारण नहीं कर पाई, और साथ ही साथ NBFC की भी कंडीशन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और IL&FS तो उसका एक एग्जांपल आप समझते हो, और वो क्यों हुई, कैसे वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी हैं। द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्फ फेसिंग अ लिक्विडिटी स्क्वीज एंड द IL&FS डेब्ट डिफॉल्ट की बारे, द डेंजर ऑफ द क्रेडिट फ्लोज MSME बीइंग फर्दर अफेक्टेड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ऐसी स्थिति में जो MSME को जो हम लोग पैसे दे रहे हैं और ऐसी चीजें वापस से फिर से नहीं हो जाए, इसको हम लोग रूल्ड आउट नहीं कर सकते। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।